ओमा जन्नत है यार इधर जन्नत। तो फ्रेंड्स अपने मायके को छोड़ के जाना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, सबसे मुश्किल काम है। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं जा रही हूँ वापस, क्योंकि मैं एक ही दिन के लिए आई थी, ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैं एक ही दिन के लिए आई थी। तो आज हम वापस जा रहे हैं, मतलब कल मैं आई, परसों मैं आई थी, कल का दिन रही हूँ और आज मैं वापस जा रही हूँ। तो अभी मैं बावली में गई थी सुबह सुबह पानी लेने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। फिर अब उधर देखो, फिर अच्छा होता है। नहीं मुंह उधर करो। तो हम लोग पानी लेकर आए, उसके बाद मैंने मम्मी के साथ बहुत सारे रील्स शूट किए, मीन्स कि बहुत सारी वीडियोस बनाई मैंने मम्मी के साथ, क्योंकि मेरा पता है मैं कितनी भी वीडियोस बना लूँ ना मेरे को कम लगती हैं। ऐसे लगता है कि नहीं यार और बना लूँ, यार और बना लूँ, थोड़ी सी और बना लूँ। मम्मी पापा एक ऐसे ऐसे होते हैं ना ज़िंदगी में कि उनके साथ आप जितना भी वक्त बिताओ वो कम ही लगता है हमेशा। तो शादी के बाद तो और भी बुरा लगता है, वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी होती है कि हमें आना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ से अभी जा रहे हैं वापस। तो पापा मम्मी और ये सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं चुपके चुपके से कुछ वीडियोस शूट कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे कुछ वीडियोस शूट कर रही थी और बीच बीच में मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी जो मैंने अपने खेतों में लिए हैं, और बीच बीच में आपको रील्स बताऊंगी, और बीच बीच में फ़ोटोज़ जो मैंने मम्मी के साथ क्लिक करे हैं। ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना कि मतलब कितने भी आप बना लो कम ही लगते हैं। तो मैंने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए और मन किया कि उन सब फ़ोटोज़ की एक वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूं आज, क्योंकि मैं जब वहाँ से आती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं वहीं पे रहूं, वहाँ से ना जाऊं, बट पता नहीं क्यों ऐसे रिवाज बनाए थे कि हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। बट मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, मैं यहाँ भी रहती हूँ, उनको बहुत मिस करती हूँ। और 5-5, 6-6 मंथ हो जाते हैं मुझे वापस गए हुए। तो गई थी तो भी मैं एक ही दिन के लिए वहाँ रही और उसके बाद मुझे आना पड़ा क्योंकि छुट्टी ख़त्म हो गई थी। तो हम लोगों ने बहुत सारे सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं फ़ोटोज़ देख देख के ना मेरे को रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। और तो हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, बहुत सारी वीडियोस क्लिक की। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, वो भी मेरे साथ गई थी, फ्रेंड को हो सिस्टर को हो सब कुछ है वो मेरे लिए। तो मैंने उसको बोला यार तो मेरी वीडियो शूट करना जब मैं जाऊँगी। तो उसने जितनी वीडियो शूट की मैंने वो आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। वो पीछे से आ रही थी, मम्मी पापा खड़े थे आगे, तो मैं भी आई थी वहाँ पे। तो एक फ़ोटो वहाँ पे क्लिक करी हमने, क्योंकि आते टाइम ऐसा माहौल बन जाता है ना कि मन नहीं करता है कि कोई वीडियो जा कोई फ़ोटो कुछ क्लिक करें जा फिर लें, क्योंकि अजीब सा लग रहा होता है। पहली तो बात है पता है, वहाँ से जब मैं गाड़ी में चढ़ती हूँ ना तो मैं बहुत दूर तक तो रोती रहती हूँ, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सॉरी, सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, सबको फील होता है अपना घर छोड़ के आने में। तो उसके बाद हम लोग आ गए, तो रास्ते में एक जगह पे हम लोग रुके थे, तो वहाँ की एक ये वीडियो बीच में डाली थी मैंने। तो मम्मी के सामने इतने सारे रील्स शूट किए थे ना, मतलब इतनी सारी शॉर्ट वीडियोस क्लिक करी थी ना, तो मेरे को मतलब मैंने उनमें म्यूज़िक नहीं डाला है यहाँ पे, तो म्यूज़िक भी डाल डाल के मैंने बहुत सारी वीडियोज़ करी थी। तो बीच में मैं अपनी जो बातें की हैं वो भी मैं डालना चाहती हूँ, बीच में रिकॉर्डिंग करूँगी बीच में वो भी डालूँगी। तो कुछ मैंने अपने घर की वीडियोज़ क्लिक करी थी, ये हमारा घर है और बाहर में पेड़ पौधे लगाए हैं। बीच बीच में कुछ स्लोमो बना रही थी मेरी, वही बहन मेरी स्लोमो बना रही थी, तो मैंने वो अपने ही क्लिक करे जा रही थी। तो बाद में मैंने उन सबको इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया है। मे बी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो कुछ स्लोमो बना रही थी, कुछ मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे वो बना रही थी। तो जब मैंने बाद में देखा ना तो मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा सबकी एक वीडियो बना के इसको ज़रूर डालूंगी मैं, तो इसलिए मैंने ये एक वीडियो बनाई है उसकी। तो मैंने ये सब वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली हैं।
इतनी सारी वीडियोस हमने क्लिक करी, हमने सुबह सुबह फिर खाना खाया। हम लोग अपने घर से 5 बजे के करीब निकले थे, 4:30-5 बजे के करीब हम घर से निकले थे। जम्मू आ रहे थे हम लोग, तो वहाँ से जम्मू का डिस्टेंस है कोई 2.5 घंटे का, तो हम लोग 5 बजे के करीब वहाँ से निकले थे। तो बस ये रास्ते में एक जगह पे हमने मोमोज़ खरीदे थे, तो वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस क्लिक करी। तो ये है वो मेरी सिस्टर, फ्रेंड, सब कुछ है ये मेरे लिए, तो इसी ने मेरी वीडियोस जो है शूट करी थी। तो उसके बाद कुछ वीडियोस और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बनाई थी। तो हमने वहाँ पे मोमोज़ खरीदे रास्ते में, और मोमोज़ खाए हम लोगों ने, और कुछ स्लोमो बनाए। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ ना, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था यार, इतनी तेज़ हवा क्यों चल रही है। तो हम लोग वहाँ से फिर वीडियो वगैरह शूट करके हम लोग पहुँच गए जम्मू। रास्ते में मैंने कोई वीडियो क्लिक नहीं करी आते हुए। ये है बागे बहु जम्मू में, जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी बता रही हूँ, जो जानते हैं उनको तो पता होगा। बागे बहु बावे मंदिर है बहुत अच्छा वहाँ पे, और वहाँ पे रात को इस तरह से लाइटिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइटिंग इस तरह से की जाती है। नीचे पुल है, पुल के ऊपर जो दिख रहा है वो मंदिर है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट सा मैंने थोड़ा क्लिक करा था, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। तो हम लोग आ गए थे जम्मू, और रात को हम लोग, मैं अपने ससुराल में रही थी, एंड सेकेंड डे, थर्ड डे, थर्ड डे सुबह सुबह हम लोग वहाँ से निकल गए थे। ये एम्स बन रहा है जो जम्मू में, बस उसके एम्स के पास ही है हमारा घर, तो वहाँ से अभी हम मॉर्निंग में निकले हैं। और ये देखिए, ये एम्स के पास से हम निकल के जा रहे हैं, अभी हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, रात को हम चंडीगढ़ स्टे करेंगे और कल हम वहाँ से आगरा जाएंगे। तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस था फ्रेंड्स, हम अपनी गाड़ी लेकर गए थे, इतना लंबा डिस्टेंस फर्स्ट टाइम लेकर गए थे गाड़ी, बट मे बी हम सेकेंड टाइम नहीं लेंगे गाड़ी, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस गाड़ी में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दोनों लोग ड्राइव करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ट्रेन से आई थिंक ज़्यादा सही रहता है जाना, या फिर बाई एयर या फिर ट्रेन ज़्यादा सही रहता है उसमें जाना। तो अब हम लोग चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं। मैंने बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस क्लिक करी है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था ज़्यादा वीडियो क्लिक करने का। आते हुए मेरा मन बिल्कुल नहीं होता है, जाते हुए मेरा मन करता है कि मैं खूब सारी वीडियोस बनाऊं, आते हुए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो बीच बीच में मैं वीडियोस क्लिक कर रही थी। तो यहाँ पे हम चंडीगढ़ में पहुँच गए हैं। ये सेक्टर वगैरह पूरे वहाँ चंडीगढ़ के सेक्टर्स हैं, जो जो जानते हैं उनको तो पता ही होगा। तो वहाँ पे हम सेक्टर 22 में रहे थे रात को। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरे, खाया पिया, और बहुत सारा मतलब वहाँ थोड़ा घूमे थे। और चंडीगढ़ तो एक ऐसी जगह है, यहाँ पे बहुत मतलब मस्ती से बंदा एंजॉय कर सकता है। मैंने 5 साल वहाँ काटे हैं, अभी हम लोग आगरा आए हैं, तो चंडीगढ़ में मैं जितना ज़्यादा रहूँ मुझे उतना ही कम लगता है। ऐसे लगता है कि नहीं, और रह लेती हूँ, और रह लेती हूँ। चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है, वहाँ से निकलने का मन नहीं करता है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे रात को स्टे करा था। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है चंडीगढ़, तो वहाँ पे तो आप कितनी भी लंबी वीडियो शूट कर लो, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम से जैसे मतलब पूरा पेड़ पेड़ पेड़, और बहुत ही ठंडा लगता है, काफ़ी अच्छा है। गर्मियों में भी ज़्यादा आपको गर्मी फील नहीं होगी वहाँ पे। तो बस अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स थोड़ा सा मार्केट में गए थे, हमने शॉपिंग करी वहाँ पे, और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में गए थे हम, और वहाँ मैंने वो खाया था, क्या कहते हैं उसको, बर्गर वगैरह खाया था, पफ खाया था, मैकडी में गए थे, और फिर उसके बाद एक रेस्टोरेंट में गए थे, और वहाँ पे मैंने चॉकलेट टफल खाया, मुझे बहुत टेस्टी लगा। और रात को हम लोग एक होटल बुक किया था, वहाँ गए थे, तो रात को हमने वहाँ स्टे किया, चाय वाय रूम में ही मंगवाई थी, तो डिनर वगैरह रूम में ही करा हमने, और चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी वहाँ की। तो मुझे 22 सेक्टर में हम लोग रात को स्टे किया था हमने। तो यहाँ पे ये हमारा रूम था, इसकी थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिक करी है, और फिर हम लोग मॉर्निंग में यहाँ से निकल गए थे। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से आगरा, तो अभी निकले हैं हम लोग। तो यहाँ से अभी हम चंडीगढ़ के कुछ सेक्टर क्रॉस करके निकलेंगे अम्बाला के रास्ते पे, और फिर से जाएंगे आगरा। दीवाना में तो तुझ पे मरती हूँ। गाइस अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से आगरा, तो अभी हम लोग चंडीगढ़ से निकल रहे हैं, तो बस अभी हम निकलेंगे तो शाम तक पहुंचेंगे आगरा में जाके। ट्रिब्यून चौक चंडीगढ़। हेलो माधुरा,
वाओ, ऐसे वाटर फाउंटेन देखने के लिए ना आप पैसे देने पड़ते हैं, और यहाँ पे रोड के साइड पे वाटर फाउंटेन लगे हुए हैं, क्या बात है। हाँ सारी दुनिया से कह देंगे तुझसे प्यार में करती हूँ, मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। Paris Town Square. What? Paris Downtown Square. कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा रानू का क्या है। यार यहाँ से जाने का मन नहीं करता यार, भगवान कसम, पता नहीं ऐसा दिल लूटा ना इस जगह ने मेरा, मन करता मैं यहीं घूमती रहूँ। जब यहाँ से निकलती हूँ ना बड़ा दुख, मन दुखी होता है। तो गाइज ये है जीरकपुर, अभी हम जीरक पहुँच गए हैं चंडीगढ़ में। तो जीरकपुर की मतलब ब्यूटी की तो बात ही अलग है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो सॉरी कि मैंने ना वीडियो कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग में बना दी है, क्योंकि मिक्स था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने लॉन्ग में ही बना दी है। तो बीच में कुछ शॉर्ट वीडियो मतलब स्क्रीन शॉर्ट आ रही है, कुछ स्क्रीन बड़ी आ रही है, सॉरी ना वहाँ पे एडजस्ट कर लेना, सॉरी। हाँ तो ये हम जीरकपुर से निकल रहे हैं, साइड पे पूरा जीरकपुर का एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है जीरकपुर भी, चंडीगढ़ का बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर भी। तो बस अब हम निकले हैं, इतनी तेज़ गर्मी में हम लोग जा रहे हैं आगरा। लॉन्ग ड्राइव पे भी मज़ा आता है, लेकिन अपने साथ अगर बहुत सारे लोग हों ना तो फिर मज़ा आता है, वरना आप 1000 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा बोर होने लग जाता है आदमी, थकान भी हो जाती है, तो इतना लंबा ड्राइव कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम लोगों ने कोशिश की थी कि चलो एक बार लेकर जाते हैं, देखते हैं कि किस कैसा फील होता है इतना दूर गाड़ी लेके जाना। तो नॉर्मली हम चंडीगढ़ से जम्मू जाते थे तो 5-5.5 घंटे लगते थे और हम लोग पहुंच भी जाते थे, बट आगरा से जम्मू काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, तो इसीलिए हम लोग एक बार ही लेके गए हैं, सेकेंड टाइम देखेंगे कभी अगर लेकर गए तो। उसके बाद हम रास्ते में आते आते एक जगह पे हल्दीराम्स था, ये आगरा के पास पहुँच गए थे हम, थोड़ा ही दूर था ये, वहाँ पर है क्या जमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर ही है, तो वहाँ पर हम रुके थे, वहाँ पे हमने अच्छे से खाना वाना खाया और लंच वंच किया अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले थे। तो यहाँ पे हमने छोला भटूरा ऑर्डर किया था और दाल मखनी और राइस ऑर्डर किए थे, तो वो खाया था हमने यहाँ पे, तो काफ़ी टेस्टी था खाना वहाँ का। तो ये हल्दीराम्स ना आगरा के पास में ही आता है, ये जो जमुना एक्सप्रेस वे है उसी के ऊपर में साइड पर एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर हम लोग गए थे, तो वहाँ खा के हम लोग निकले थे। तो खाना खाते वक्त भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो वहाँ पे शूट की थी, तो हम लोगों ने खाना खा के फिर हम लोगों ने वहाँ से निकले थे हम लोग। तो उसके बाद मैंने गाड़ी ली थी यमुना एक्सप्रेस पे से, पहले ही मैंने गाड़ी ले ली थी, कम से कम 250 किलोमीटर के करीब मैंने चला के लाई होगी, उससे पहले मेरे हस्बैंड ने लाई थी, तो पूरा 500 किलोमीटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड करके चंडीगढ़ से जम्मू सॉरी चंडीगढ़ से आगरा तक गाड़ी लाई। तो रास्ते मैंने एक जगह पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा था, तो उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियोज़ यहाँ बीच में लाई है, बट मेरा बड़ा ऐसे देख के बहुत मन ऐसे हुआ, बड़ा मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट रोड पे होते हैं, सो कोई कहीं भी रोड पे गाड़ी चलाओ बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। तो आज तक का आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नए और वीडियोज़ में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप भी अपनी लाइफ में खुश रहिए, इंजॉय करिए, उदास बिल्कुल भी मत होना, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।